बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। एक और नई वीडियो और नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम ऐसे भाइयों के लिए नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं जो एहतलाम के मरीज हैं और इस मर्ज से बहुत ज्यादा तंग हैं। तो इस मसला से निजात के लिए आज का हमारा नुस्खा बहुत ही जबरदस्त है। एहतलाम के मरीज को उस वक़्त तक आराम नहीं आ सकता जब तक मरीज का माहौल फौरी तौर पर तब्दील न कर दिया जाए। फहश फिल्में, फहश लिटरेचर और इश्क और मोहब्बत की दास्तानें पढ़ना बंद कर दे, बुरे दोस्तों की महफलों से दूर रहे, मजहबी किताबें पढ़नी चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। सुबह के वक्त जल्दी उठना चाहिए और ताज़ा पानी से गुसल करना चाहिए। निजाम हजम की इसलाह करनी चाहिए और मरीज को रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, एहतलाम से निजात के लिए जो हमारा आज का नुस्खा है वो ये है, मूसली सफेद, इलायची सब्ज या छोटी इलायची भी इसको कहते हैं, छिलका इसबगोल, ताल मखाना और मिस्री सफेद। नाजरीन, मूसली सफेद लेनी है 2 तोला, सब्जी इलायची 2 तोला, छिलका इसबगोल 2 तोला, ताल मखाना 2 तोला और मिस्री सफेद ये भी 2 तोला। नाजरीन, इसबगोल के छिलका के अलावा चारों चीजों को अच्छी तरह पीस कर इनका सफूफ बनाएं, फिर इस सफूफ में छिलका इसबगोल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आपका नुस्खा तैयार है। इसको किसी भी जार में महफूज करके रख लें। नाजरीन, इस नुस्खा इस्तेमाल किस तरह से करना है, सुबह के वक्त आधा चम्मच दूध के साथ खाली पेट खाना है, इसी तरह आधा चम्मच शाम के वक्त खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो इस नुस्खा के इस्तेमाल से एहतलाम का मर्ज जितना भी पुराना होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये नुस्खा मणि को गाढ़ा करता है, मुगल्लज मणि नुस्खा है, जिसकी वजह से जरियान का मर्ज भी दूर होगा, जकावत हिस भी दूर होगी और खास तौर पर जो मर्दाना टाइमिंग है उसमें भी इजाफा होगा। तो इमसाक पैदा करने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।